दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 10 नहीं 20 20 नहीं टोटल 30 ऐसी हॉलीवुड मूवीज के बारे में जिनके अंदर डिस्ट्रक्शन दिखाया गया। पृथ्वी खतरे में पड़ जाती है, तबाही हो जाती है, बहुत सारे भूकंप, सुनामी, ऐसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं और लोगों की जान बहुत ज्यादा खतरे में पड़ती है। आज हम इन्हीं मूवीज के बारे में बात करेंगे और टोटल 30 मूवीज में इसे वीडियो के अंदर कवर करूंगा और ये सारी की सारी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली मूवी है हरिकेन हाइस्ट। ये मूवी आई थी सन 2018 में। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कुछ चोरों की जो लोग प्लान करते हैं यूएस ट्रेजरी को लूटने का, पर उस वक्त एक कैटेगरी 5 का हरिकेन आ जाता है जिसकी स्पीड होती है 251 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होती है और वो इनसे टकरा जाती है। ये लोग कैसे उस रॉबरी को अंजाम देते हैं, कैसे अपने मिशन को पूरा करते हैं, यह आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी सेकंड मूवी है टाइडल वेव। ये मूवी आई थी सन 2009 में। ये एक एक्शन ड्रामा कोरियन मूवी है। जी हाँ, ये कोरियन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक औरत की जो बुसान के अंदर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है, पर सडनली उनको पता लगता है कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है और वो लोग बीच पर ही होते हैं। उनके पास 10 मिनट होते हैं बचने के लिए। आगे की स्टोरी आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। दोस्तों हमारी थर्ड मूवी है नोइंग। ये मूवी आई थी सन 2009 में। ये एक ड्रामा मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक MIT प्रोफेसर की, जिनको एक पेपर मिलता है जिसके अंदर बहुत से नंबर्स लिखे होते हैं। जब वो नंबर्स की मिस्ट्री सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो उनको पता लगता है कि ये सारे के सारे नंबर्स पास्ट में हुए जितने भी डिस्ट्रक्शन थे, जितने भी बड़ी तबाही हुई थी, वो सारे के सारे इसी डेट पे हुए थे। लेकिन एक डेट अभी भी बाकी है और इनको पता लगाना है आखिर इस डेट पे कौन सा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। ये मूवी बहुत अमेजिंग है और बहुत बड़ी मिस्ट्री इस मूवी के अंदर छुपी हुई है। आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी फोर्थ मूवी है सैन एंड्रियास। ये मूवी आई थी सन 2015 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर मेन लीड में है ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैलिफोर्निया से, जहां पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, बहुत बड़ा भूकंप आता है जिसकी वजह से बहुत तबाही मचती है, सारी बिल्डिंग्स टूट रही होती है। उसी बीच ड्वेन जॉनसन की एक्स वाइफ और उनकी बेटी वहीं पे फंसी होती है। ड्वेन जॉनसन कैसे अपनी फैमिली को बचाते हैं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी फिफ्थ मूवी है डीप वॉटर होराइजन। ये मूवी आई थी सन 2016 में। ये एक एक्शन ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। ये एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड घटना है। असलियत में ऐसा हुआ था। अप्रैल सन 2010 में यूएस की एक बहुत बड़ी ऑयल रिग डीप वॉटर होराइजन के अंदर एक्सप्लोजर हो गया था, वो फट गई थी और उसकी वजह से यूएस के आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी ऑयल स्पिल हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारा ऑयल समुद्र के अंदर यूं ही बह गया था। इस मूवी के अंदर आपको पता लगेगा कि आखिर उसके पीछे का कारण क्या है और ये लोग कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव किए थे वहां पर। दोस्तों हमारी सिक्स्थ मूवी है पोसेडियन। ये मूवी आई थी सन 2006 में। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है न्यू ईयर ईव की, जब सब लोग बैठ के एक लग्जीरियस शिप पोसेडियन के अंदर बैठ के समुद्र के अंदर घूमने के लिए जा रहे होते हैं, पर उसी वक्त एक बहुत बड़ी सुनामी उस शिप से टकरा जाती है और उसकी वजह से वो शिप समुद्र के अंदर डूबने लगता है। ये लोग अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं, यह आपको इस मूवी के अंदर देखना है। अगर आपको टाइटैनिक पसंद आई थी तो ये मूवी भी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है। इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में ही अवेलेबल है। दोस्तों हमारी सेवंथ मूवी है द डे आफ्टर टुमारो। ये मूवी आई थी सन 2004 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसे तूफान की जो पूरी पृथ्वी के ऊपर आइस एज ला देता है, पूरी पृथ्वी को जमा कर रख देता है। उस बीच इंसान अपने आप को कैसे बचाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी एट्थ मूवी है द इम्पॉसिबल। ये मूवी आई थी सन 2012 में। ये एक ड्रामा हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। ये मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसी फैमिली की जो थाईलैंड के अंदर गई होती है अपनी वेकेशन बिताने के लिए, पर वहां पे सन 2004 में आई हुई इंडियन ओशन सुनामी टकरा जाती है उस बीच से उस, और उसकी वजह से बहुत से लोगों की जाने जाते हैं और ये पूरी फैमिली अलग हो जाती है। आगे की स्टोरी आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। दोस्तों हमारी नाइन्थ मूवी है आर मैकडॉन। ये मूवी आई थी 1998 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसे एस्ट्रॉइड की जिसका साइज बहुत बड़ा है, टेक्सास जितना बड़ा है, यूएस का एक शहर है टेक्सास उसके जितना बड़ा है, और ये पृथ्वी से टकराने वाला है। अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, इसलिए नासा वाले डिसाइड करते हैं कि ये लोग इसके ऊपर लोगों को भेजेंगे, इंसानों को भेजेंगे, वो जाके इस एस्ट्रॉइड के अंदर ड्रिल करके न्यूक्लियर बम से इसको उड़ा देंगे। ये लोग ऐसा कर पाते हैं या नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। दोस्तों हमारी टेंथ मूवी है जियो स्ट्रॉम। मूवी आई थी सन 2017 में। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसी सैटेलाइट की ग्रुप्स की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसका नाम होता है जियो स्ट्रॉम, जो पृथ्वी के वेदर को कंट्रोल कर सकती है। पर यह मशीन अभी तक तो इंसानों के काम आ रही है, पर अब ये एक बहुत ही बड़े वेपन के रूप में कन्वर्ट हो गई है। वो कैसे कन्वर्ट हुई है, ये आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। दोस्तों हमारी 11th मूवी है डीप इंपैक्ट। ये मूवी आई थी 1998 में। ये एक एक्शन ड्रामा रोमांस मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़के की जो एक कॉमेट को डिस्कवर करता है और ये कॉमेट कुछ ही समय में पृथ्वी से टकराने वाला है। इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से वो इस कॉमेट को रोक सके। आगे क्या होता है आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 12th मूवी है डंटे पीक। ये मूवी आई थी 1997 में। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक वोल्केनोलॉजिस्ट की, जिसको पता लगता है कि डंटे पीक्स का जो वोल्केनो है वो कभी भी फट सकता है,
वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। आगे क्या होता है आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 13th मूवी है द कोरी। मूवी आई थी 2003 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है पृथ्वी की, जिसका कोर घूमना बंद कर देता है। पृथ्वी का जो मैग्मा है वो घूमना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कमजोर हो रही होती है। और अगर ये मैग्मा दोबारा चालू नहीं हुआ तो पृथ्वी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी और तुरंत सूरज पृथ्वी को जला के भस्म कर देगा। ये लोग पृथ्वी को बचा पाते हैं या नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 14th मूवी है 2012। ये मूवी आई थी सन 2009 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपको इस तरह की मूवीज पसंद है जिसके अंदर पृथ्वी बहुत ज्यादा खतरे में पड़े, पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी तबाही आए, तो ये मूवी डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, हाईली रिकमेंड करूंगा। इस मूवी को जरूर देखें दोस्तों। हमारी 15th मूवी है इनटू द स्टॉर्म। ये मूवी आई थी सन 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से, जहां पर बच्चों की ग्रेजुएशन पूरी हो गई होती है और वहां पे वो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पर उसी वक्त बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं और वो बहुत बड़ी तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। आगे की स्टोरी आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 16th मूवी है वोल्केनो। की मूवी आई थी 1997 में। ये एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है लॉस एंजलिस सिटी की, जहां पे कोई वोल्केनो नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी जमीन के अंदर से लावा निकलना शुरू हो जाता है और पूरे शहर को उस लावा के अंदर डुबो के खत्म करना चाहता है। आगे की स्टोरी आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 17th मूवी है ट्विस्टेड। ये मूवी आई थी 1996 में। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कुछ लोगों की, जो लोग मिलकर एक एडवांस वेदर अलर्ट सिस्टम बना रहे होते हैं, जिसके जरिए वो बहुत ही वायलेंट टोर्नेडोस को पकड़ सके। उसी बीच यहाँ पे एक बहुत पावरफुल ट्विस्टर आ जाता है, टोर्नेडो आ जाता है। ये लोग उससे कैसे बचते हैं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है दोस्तों। हमारी 18th मूवी है पॉम्पेई। ये मूवी आई थी सन 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एंशियंट समय की, जब राजा महाराजा का युग हुआ करता था और उस समय एक पॉम्पेई नाम का सुपर वोल्केनो फट जाता है और उससे ये लोग कैसे बचते हैं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 19th मूवी है द परफेक्ट स्टॉर्म। ये मूवी आई थी सन 2000 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कुछ फिशरमैन्स की, मछुआरों की, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए होते हैं, पर वो लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं एक, जिससे उनको पता लगता है कि समुद्र में बहुत बड़ी एक सुनामी आने वाली है, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। वो लोग कैसे इससे बचते हैं और लोगों को इससे अवेयर कर पाते हैं कि नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 20th मूवी है क्लोवरफील्ड। ये मूवी आई थी सन 2008 में। ये एक एक्शन एडवेंचर हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई कुछ फ्रेंड्स की, जो लोग अपने आप को बचा रहे होते हैं न्यूयॉर्क स्ट्रीट पे, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर। ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आया, पूरी मिस्ट्री आपको इस मूवी के अंदर ही पता चलेगी। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 21st मूवी है लीगन। ये मूवी आई थी सन 2010 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है मॉन्स्टर्स की, इविल फोर्सेस की, जो इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं, पृथ्वी के ऊपर हमला कर देते हैं और पूरी पृथ्वी पे कब्जा करना चाहते हैं। एक एंजल एक प्रेग्नेंट वेट्रेस से बोलता है कि तुम्हारा बेबी ही लास्ट होप है ह्यूमैनिटी की। आखिर इस मूवी की पूरी मिस्ट्री क्या है, आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 22nd मूवी है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये मूवी आई थी सन 2005 में। ये एक एडवेंचर साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है पृथ्वी से, जहां पे सडनली एलियंस अटैक कर देते हैं सभी ह्यूमंस के ऊपर। ह्यूमंस कैसे उनसे लड़ते हैं, क्या सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 23rd मूवी है कंटीजियन। ये मूवी आई थी सन 2011 में। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसे वायरस की, जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर महामारी की तरह फैल जाता है और पूरी दुनिया इससे ग्रसित होती है। दुनिया उससे कैसे बचती है या नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 24th मूवी है वर्ल्ड वॉर जेड। ये मूवी आई थी सन 2013 में। ये एक एक्शन एडवेंचर हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसे वायरस की, जिसकी वजह से पूरी पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सभी ह्यूमंस जो भी उस वायरस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, सडनली 30 सेकंड के अंदर अंदर वो ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इंसान इससे कैसे बचते हैं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 25th मूवी है इंडिपेंडेंस डे। ये मूवी आई थी 1996 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इसके अब तक दो पार्ट्स आ चुके हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एलियंस की, जो पृथ्वी के ऊपर आते हैं अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ और इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी से कैसे उनसे जीतते हैं नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है दोस्तों। हमारी 26th मूवी है मार्स अटैक्स। ये मूवी आई थी 1996 में। ये कॉमेडी साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई अर्थ की, जब अर्थ के ऊपर मार्स के लोग आके अटैक कर देते हैं और इंसान उनके हाईटेक वेपन से कैसे बचते हैं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी कॉमेडी वाली भी है तो आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी, और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों। हमारी 27th मूवी है गॉडज़िला। ये मूवी आई थी सन 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है ऐसे मॉन्स्टर्स की, बड़े बड़े क्रिएचर्स की, जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं और इंसानों को समाप्त करना शुरू कर देते हैं। इंसान उनसे कैसे बचते हैं, पूरी की पूरी स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देखिए। इसके अभी तक बहुत
से पार्ट्स आए हैं और ये मूवी बहुत कमाल की है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 28th मूवी सीरीज है रेसिडेंट ईविल, इसके अभी तक बहुत से पार्ट्स आए हैं और सारे के सारे पार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंसान कैसे एक बहुत ही पावरफुल वायरस से लड़ते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी पृथ्वी ज़ॉम्बीज के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इंसान कैसे उन ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सीरीज आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको इस तरह की मूवीज पसंद है तो ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसकी सारी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इस सीरीज को भी आप जरूर देखें। दोस्तों हमारी 29th मूवी है सीकिंग अ फ्रेंड फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये मूवी आई थी सन 2012 में। ये एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक एस्ट्रॉइड की जो पृथ्वी को बहुत जल्दी पूरी तरीके से समाप्त करने वाला, इंसानों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उससे बचने के लिए। तो इंसान डिसाइड करते हैं कोई बात नहीं, हमारा ये अंतिम समय है तो हम इस अंतिम समय को बहुत अच्छी तरह से गुजारेंगे। इस मूवी के अंदर आपको वही देखने को मिलेगा कि जब इंसानों को पता लगता है कि उनका ये अंतिम समय है उसके बाद वो कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, कैसे वो लोगों से व्यवहार करते हैं। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 30th मूवी है टाइटैनिक, ये मूवी आई थी 1997 में। ये एक ड्रामा रोमांस मूवी है। इस मूवी के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी को पता है कि टाइटैनिक शिप डूबा था और उसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। इस मूवी के अंदर आपको उन्हीं लोगों के बारे में पता लगेगा कैसे टाइटैनिक डूबा था, कैसे उन लोगों ने अपनी लाइफ को बचाया था और कौन कौन लोग उसमें मरे थे। पूरी स्टोरी आपको इसी मूवी के अंदर पता चल जाएगी। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। फ्यूचर में आप किस तरह की मूवीज देखना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।